हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको किचन के कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे कि आपके किचन के सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी हम मसाले वाली सब्जी बनाते हैं तो हमें बिल्कुल बारीक प्याज की जरूरत पड़ती है। बारीक प्याज कट करने के लिए आप प्याज के छिलके निकाल लीजिए और प्याज को नॉर्मल पानी से साफ कर लीजिए। प्याज को नॉर्मल पानी से साफ करने के बाद आप उसे चाकू से दो हिस्से में कट कर लीजिए। अब आप लीजिए पिलर, जिससे हम आलू छीलते हैं या फिर लौकी को छीलते हैं, और प्याज को पिलर की हेल्प से कट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज आसानी से बिल्कुल बारीक कट हो चुका है। सेकेंड टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्याज को आप स्टोर करके फ्रिज में कैसे रख सकते हैं। इसके लिए आप प्याज के छिलके को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और अब आप प्याज को नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। प्याज को नॉर्मल पानी से धुलने के बाद आप इसे टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए या फिर किसी कॉटन के कपड़े पर प्याज को कुछ देर के लिए रख दीजिए। इससे प्याज में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। अब आप प्याज को किसी भी कांच के बोतल में भरकर फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। प्याज को पूरे एक हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है और अब आपको रोज रोज प्याज छीलने का झंझट भी नहीं रहेगा। थर्ड टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप गंदे, चिपचिपे और काले पड़े तवे को कैसे साफ करें। सबसे पहले आप तवे को हल्का गुनगुना गर्म कर लीजिए और अब आप तवे के ऊपर लगाइए कोलगेट पेस्ट और अब गुनगुने तवे के ऊपर डालिए लहसुन और प्याज का छिलका। लहसुन और प्याज के छिलके के अंदर क्लीनिंग के बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं। अब आप तवे के ऊपर डालिए एक चम्मच व्हाइट विनेगर, आधा छोटा चम्मच लिक्विड बिम। लिक्विड बिम नहीं है तो आप थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हैं। अब आप लीजिए स्क्रबर और स्क्रबर की हेल्प से प्याज और लहसुन के छिलके को तवे के चारों तरफ अच्छी तरह से फैला दीजिए। ध्यान रहे, तवा बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए जिससे कि आपके हाथ जले नहीं। मैंने यहाँ पर ग्लव्स नहीं पहना है, लेकिन तवे को साफ करते समय आप ग्लव्स जरूर पहने। 5 मिनट तक स्क्रबर की हेल्प से आप प्याज और लहसुन को तवे के चारों तरफ अच्छी तरह से रगड़ दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा तवा यहाँ पर बिल्कुल क्लीन हो चुका है और तवे के जो जिद्दी दाग रह गए हैं उसे आप लोहे के जूने या फिर कच्ची ईंट से साफ कर सकते हैं। अब मैं आपको तवे को नॉर्मल पानी से धुलकर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप तवे की चमक को देख सकते हैं। आप इस टिप्स को हफ्ते में एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आपका तवा हमेशा स्टील के तवे की तरह चमकता रहेगा। और सबसे लास्ट टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बिल्कुल पुराने और चिपचिपे गैस चूल्हे को आप कैसे साफ करें। अभी अभी मैंने दाल को फ्राई किया था और उसका ऑयल पूरे गैस पे फैल गया है। इसके लिए आप लीजिए लहसुन और प्याज के छिलके, जिसे आप अक्सर डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन आज का टिप्स देखने के बाद आप लहसुन और प्याज के छिलके को कभी भी डस्टबिन में नहीं डालेंगे। लहसुन और प्याज के छिलके के अंदर आप डालिए एक चम्मच व्हाइट विनेगर। अब आप व्हाइट विनेगर में भिगोए हुए लहसुन और प्याज के छिलके को पूरे गैस के ऊपर अच्छी तरह से फैला दीजिए। अब आप प्याज और लहसुन के छिलके को गैस स्टोव के चारों तरफ अच्छी तरह से रगड़ दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस चूल्हे का चिपचिपापन बिल्कुल गायब हो गया है। अब आप छिलके को हटा लीजिए और कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से रगड़कर गैस को क्लीन कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस स्टोव बिल्कुल नए जैसा चमक उठा है। आपका गैस चूल्हा कितना भी पुराना हो वो नए जैसा चमक उठेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।